चंपारण के लोरिया थाना क्षेत्र में इस खबर है, जहां शनिवार को दिन दहाड़े बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा से 15 लाख रुपए बंदूक की नोक पर अपराधियों ने आराम से लूट ली। घटना के बाद बैंक में हड़का मच गया, जहां थाने से कुछ ही दूर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा है। शनिवार को बैंक खुलने के कुछ ही देर बाद दो बाइक पर आए 6 लुटेरों ने लूटपाट की। इस दौरान दो लुटेरों के पास देसी कट्टा, बाकी के पास तेज चाकू बरामद हुआ। इस सबसे पहले अपराधियों ने गार्ड को बंधक बनाया और सभी बैंक में आए कस्टमरों स्टाफ मोबाइल जब्त किए। इस संबंध में बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा प्रबंधक ने पुष्टि करते हुए बताया है कि पहले बैंक के गार्ड को बंधक बनाया, फिर सभी का मोबाइल जब्त किया गया और पहले कैशियर के पास से पैसा लूटा, फिर अंदर तिजोरी में रखा पैसा लूटा। इस मामले में बेतिया पुलिस अधीक्षक ने बताया कि दोपहर लोरिया थाना क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा में कुल 6 लुटेरों ने बैंक से 15 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया। सीसीटीवी से लुटेरों की पहचान की जा रही है। आसपास के इलाकों को खंगाला जा रहा है, नाकेबंदी भी की गई है। पुलिस जल्द खुलासे का दावा भी कर रही है। पुलिस छोड़ दे रहे हैं, छोड़ के एक साइड पर आए, उसके बाद जो कैशियर थे उनके पास जाके वहाँ से कैश उठा हाथ लिए, रिपोर्ट खुलवाने के लिए बोले, तो हम लोग थोड़ा सा ये करना चाहें तो अटैक करना चाहें, तो हम लोग वॉल्ट अलाउ कर दिए, तो बोलते वॉल्ट मेरे पास सब ऐसा वो सारा ले गए, सबका मोबाइल अलग रख के मोबाइल अपने अच्छे लिए थे, नहीं सबको मोबाइल से दूर रखवा दिया, हाथ से बोले मोबाइल सबका हाथ से करवा दिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए। हम देवराज के निवासी हैं, हम आए थे अपने बैंक में खाता खुलवाने के लिए, तो हम अपने फॉर्म जमा करके यहाँ पर बैठ वेट कर रहे थे, तब तक बाहर से 5-6 आदमी आए थे वो, और बोले कि जो पब्लिक है चुपचाप बैठ गई है, हमें आप लोग से कोई मतलब नहीं है, और वो लोग सब लोग गन अपना अपना निकाल लिए लोग और भेजा दिए लोग, बोले कि जब किसी का मोबाइल नहीं बजना चाहिए, उसका मोबाइल है वहीं पर रख दो, हम आप लोग को पब्लिक को कुछ नहीं करेंगे लोग, वो लोग अंदर गए और जो भी रकम है उन लोग से मिलते या जैसे भी किए हैं वो लोग अपना लिए लोग और फिर बाहर निकल गए। अभी एक्चुअली नगर थाना क्षेत्र में जो बैंक लूट की घटना हुई थी, उस घटना का उद्भेदन हो चुका है, उसमें दो लोग अरेस्ट हुए, बाकी लोगों के खिलाफ भी अरेस्टिंग की जा रही है, अरेस्टिंग के लिए छापेमारी की जा रही है। और ये लोरिया थाना में जो ये घटना घटी है, उसके संबंध में भी ये देखा जा रहा है कि आखिर इसका क्या नगर थाने में जो बैंक लूट की घटना घटी उससे कोई कनेक्शन है या नहीं, उस आधार पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।